नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं अक्षय आनंद, बेगूसराय से कन्हैया कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जब कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो क्या हुआ। आपको बता दें कि बेगूसराय के लोहिया नगर में रोड शो के दौरान सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लोहिया नगर मोहल्ले के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कन्हैया को काला झंडा दिखाने के बाद दोनों के समर्थकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। दरअसल कन्हैया कुमार बुधवार को जनसंपर्क अभियान के तहत लोहिया नगर मोहल्ले से रोड शो करते हुए गुजर रहे थे, तभी एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया। देशद्रोही कन्हैया कुमार वापस जाओ के नारे लगाने लगे, जिसके बाद कन्हैया कुमार के समर्थकों ने चौकीदार ही चोर है का नारा लगाना शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना और लोहिया नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने में जुट गई। इसके बाद कन्हैया कुमार ने जमकर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि कुछ लोगों के विरोध करने से कुछ नहीं होता। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यह लोग वही कर रहे हैं। रही बात ढकोसले की, प्रधानमंत्री अपने आप में ढकोसला हो चुके हैं। ये सारे शब्द ढकोसला, झूठ, ये सारे शब्द प्रधानमंत्री के सामने छोटे दिखाई देते हैं। अगर आप किसी को झूठा कहना चाहते हो तो आप उसको कह दीजिए कि आप नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी से कोई बकवास करना सीखे तो सबसे उपयुक्त आदमी है। एक बात मुझे बताइए, वो इस देश की जनता को क्या समझते हैं? लोगों ने उनको वोट दिया था 6 दिन के लिए, 5 साल वो नेहरू की कहानी सुनाते रहे, तो अगली बार लोग उनको क्यों वोट दें? नेहरू जी की कहानी अगर जानना होगा तो इतिहास की किताब पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री क्यों चुनेंगे नेहरू का कहानी सुनाने के लिए? देश के नौजवानों ने साफ कर दिया है कि जुमला नहीं अधिकार चाहिए, और इस अधिकार के लिए नफरत के खिलाफ जो हमारा संविधान है, उसके जो मूल्य हैं, उसको लेकर के लोगों ने कमर कस लिया है। आने वाले वक्त में एक तरफ मोदी जी का झूठ है, दूसरी तरफ जनता का सच है। ये लड़ाई मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया जीतेगा, मोदी जी का झूठ हारेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। तो एबीवीपी के विरोध से कन्हैया को फर्क नहीं पड़ता। पहले जेएनयू में बहुत विरोध झेल चुके हैं, हैंडल करने की आदत है, मगर इस बार रण लोकसभा का है, सड़कों पर है, जनता ही भगवान है, जनता ही फैसला करने वाली है। तो सबके आगे हाथ जोड़े उम्मीदवार खड़े हैं, देखना है कि जनता किसके पक्ष में फैसला देती है, किसको वहां पहुंचाती है, जिसके लिए, जिस खेल को सियासत कहते हैं। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।